अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे मुल्ला बरादर कहां हैं? क्या उनको बंधक बना लिया गया है? और क्या तालिबान का जो शीर्ष नेता है हबीबुल्लाह अखुंदजादा, क्या उसकी मौत हो गई है? इन तमाम तरह के सवालों का जिक्र आजकल हो रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये तालिबान के दोनों शीर्ष नेता इस वक्त जो है वो संकट में है, और इनके संकट में आने से तालिबान का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी संकट में है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको लेकर अभी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुल्ला बरादर को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त मीडिया में हैं। साथ ही साथ हबीबुल्लाह अखुंदजादा को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उसकी मौत को खबर को छुपा लिया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं मुल्ला बरादर की खबर से। मुल्ला बरादर जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि वो कंधार में उसे बंधक बना लिया गया है, और ये तब से हो रहा है जब से उसकी हक्कानी के साथ हाथापाई हुई थी, तब से लेकर मुल्ला बरादर को जो है हक्कानी ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि हाल ही में उसे एक वीडियो संदेश में देखा गया है और इस तरह उसके घायल होने की खबरों पर कुछ हद तक विराम लगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ब्रिटेन की एक पत्रिका है द स्पेक्टेटर उसको बताया है कि ये जो वीडियो मैसेज है या तो उससे पहले का है, क्योंकि मुल्ला बरादर अभी भी कांधार में बंधक बनाए हुआ है। द स्पेक्टेटर न्यूज़पेपर ने बताया है कि वो बरादर है, उसने अपने समर्थन के लिए आदिवासी बुजुर्गों की एक बड़ी बैठक की थी, लेकिन इसी दौरान बरादर को तालिबान द्वारा नियंत्रित राज्य टेलीविजन नेटवर्क पर एक बयान पढ़ा। आपको बता दें कि बरादर और अखुंदजादा को लेकर जो खबरें हैं उससे तालिबानी जो नेतृत्व है वो परेशान है, और कहा जा रहा है कि इससे हो सकता है कि आने वाले समय में तालिबानी नेतृत्व के सामने एक सियासी संकट खड़ा हो जाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम शुरू से देखें तो इस वक्त सबसे जो कह सकते हैं कि जो मेन विक्टिम है और जिसे अपना हक नहीं मिला वो है मुल्ला बरादर। दरअसल मुल्ला बरादर को तालिबान का शीर्ष नेता और अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन जब से तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं जब से सरकार का गठन हुआ तब से मुल्ला बरादर को नंबर एक नहीं नंबर दो पर रखा गया। बताया गया था कि हक्कानी नेटवर्क के साथ बरादर की झड़प हो गई। वह इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि ISI चीफ फयाज अहमद ने बरादर के ऊपर हक्कानी को तरजीह दी है। ISI ने पाकिस्तान समर्थन लोगों को सरकार में जगह दिलाई है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हक्कानी और बरादर में जो रंजिश है वो और बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर कंधार में है, वहीं अभी तक हबीबुल्लाह अखुंदजादा के ठिकाने का कुछ पता नहीं चल पाया है। तालिबान ने बार बार वादा किया कि वो अखुंदजादा को सामने लेके आएंगे, सार्वजनिक तौर पर उनकी मौजूदगी जो है वो होगी, लेकिन एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है उसको एक महीने हो चुके हैं, लेकिन एक महीने के बाद भी अब तक हबीबुल्लाह अखुंदजादा का कोई नामो निशान नहीं है। द स्पेक्टेटर न्यूज़पेपर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अखुंदजादा की मौत हो गई हो। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की जब मौत हुई थी तो उसके 2 साल बाद उसकी मौत की खबर को सार्वजनिक किया गया था। हो सकता है कि उसी के तर्ज पर अखुंदजादा की मौत की खबर को भी छुपाया जा रहा हो। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान को अब सामने आकर ये साफ करना चाहिए कि क्या वाकई में इन दोनों नेताओं पर इस वक्त संकट है, और जो चुप्पी साधी हुई है तालिबान के शीर्ष नेतृत्व ने उनको भी सामने आकर इन तमाम अटकलों को खारिज करना चाहिए, क्योंकि एक संकट से निकलने के बाद अफगानिस्तान अब दूसरे संकट के लिए इतना तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वहाँ का आम नागरिक है, वहाँ के आम लोग हैं।